अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम फुटर को कॉन्फिग करना सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने फुटर का कलर भी चेंज करना सीखा था, आज के लेसन में हम सिर्फ फुटर के ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से विजेट्स आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपके पास ये जी देखिए फुटर है जो कि बिल्कुल भी कॉन्फिग नहीं किया हुआ। आज के लेसन में हम इसको कॉन्फिग करना सीखेंगे और कॉन्फिग करने के लिए होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने इसको कॉन्फिग करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड में अगर आप हैं तो डैशबोर्ड से आपने जाना है। सबसे पहले हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं इसके साथ रजिस्टर का ऑप्शन। अक्सर वेबसाइट में ऐसा होता है कि फुटर पे भी बल्कि रजिस्टर फुटर पे भी आपके पास कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन होता है। अगर कोई किसी भी किस्म की कोई आपने आपको कुछ पूछना है तो कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो वो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं इसके साथ। तो वो ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि हम इसके साथ अपने यहां से प्लगइन में जाना है। प्लगइन में आपके पास एफएस कॉन्टेक्ट फॉर्म है जो कि प्रीवियस लेसन में हमने इस पे काम किया था। यहाँ पे जो हमारे पास ऑनलाइन इंक्वायरी का फॉर्म था, हम न्यू फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हम फॉर्म टू पे क्लिक करते हैं। फॉर्म को प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू करके देखें। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज है और यहां से बैक जाता हूं। अच्छा, यहाँ पे नेम की फील्ड आ गई है, ईमेल की आ गई है, सब्जेक्ट और कॉन्टेक्ट नंबर की फील्ड है। इसको कॉन्टेक्ट नंबर की जो फील्ड है इसको हम यहाँ से शो डिटेल में जाके इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यस, और मैसेज की फील्ड है ये डिलीट नहीं होगी। ओके, यहाँ पे ये आ गई और इसके बाद आपके पास ये जो कंप्लीट फील्ड है इसके बाद अपने टेक्स्ट एरिया सही है। अब यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि स्टाइल में जाएं और स्टाइल में हम देखते हैं यहाँ पे लेबल है। ओके, लेबल एरर और यहां पे ये आ गया सिक्योरिटी। इसको आप एनेबल को इसको डिसेबल कर दें, इसको सेव कर लेता हूं। ओके, अब इसको जाके मैं यहां से प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके मैं इसको देखता हूं कि ये कैसा नजर आएगा। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज है। ओके, सही है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। तो यहाँ पे ये सारी की सारी सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पे बेसिक सेटिंग में जाके ये जो कोड है इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी। और यहाँ पे मैं इसको लेके जाता हूँ जी अपीयरेंस में विजेट्स, इसको लीव कर दें बल्कि इसको यहाँ से सेव करके अपने लीव करना है। सेव चेंज और कंप्लीट सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं जी अपीयरेंस में और यहाँ पे विजेट्स पे। और विजेट्स में फुटर है मेरे पास, फुटर आपके पास फुटर वन टू एंड थ्री, तो फुटर थ्री पे मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ या फिर देखते हैं फुटर थ्री कौन सा है, टू कौन सा है, वन कौन सा है। तो इसके लिए यहां से टेक्स्ट को ड्रैग करें, फुटर वन आपके पास आ जाता है, फुटर वन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। टाइटल देता हूँ कॉन्टेक्ट विद अस, और ये टाइटल को छोड़ दें क्योंकि इसका टाइटल हमने दिया हुआ है फॉर्म का। सेव करता हूँ और यहां से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आ गया जी नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, देख सकते हैं। फुटर अगर आपने इसे बड़ा रखना है, इसे कम करना है तो उसके लिए आप कोई और कॉन्टेक्ट का या फिर आपके पास फुटर के भी विजिट्स मिल जाएंगे आपको, वहां से फुटर का विजिट्स ऐड कर लें यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे ये फुट ये आ गया। और इसी के साथ अगर आपने और भी ऐड करना है या आपके पास जो है तो यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और किसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, क्लोज करके ना इसको यहाँ से या आपके पास जो टेक्स्ट है इसको फुटर थ्री में लेके जाते हैं। फुटर थ्री आई थिंक यहाँ पे इसको लेके जाते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे फुटर थ्री है। फुटर वन में देखते हैं, फुटर वन में हम कुछ और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। यहाँ पे फुटर वन आ गया और फुटर वन में मैं ऐड कर लेता हूँ जी यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इसको डिलीट कर दें। फुटर वन पे हम ऐड करते हैं जी आर्काइव, यहाँ पे हमारे पास है। और इसके अलावा कैटेगरी यहाँ पे होगी हमारे पास, कैटेगरी को यहाँ ऐड कर देते हैं फुटर वन में, ड्रॉप डाउन
सेफ एंड रिफ्रेश करें इसको। कैटेगरी आ गई है ड्रॉप डाउन में ऑटो कैट, ड्रॉप डाउन ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन इसको ऑफ कर दें, शो पोस्ट काउंट एंड शो ओके सेव कर लेता हूं इसको आपने, और यहां से इसको रिफ्रेश करते हैं। कैटेगरी यहाँ पे आ गई कंप्लीट, और भी जितनी भी कैटेगरी, बेसिकली हमने 4 ही कैटेगरी बनाएंगे, जितनी भी कैटेगरी सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और इसके साथ अब सेंटर में अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे कैटेगरी के बाद आपके पास यहाँ पे पेजेस, पेजेस को ट्रैक करता हूँ मैं, इसको फुटर 2 में ऐड कर लेता हूँ, टाइटल पेजेस ही है ओके सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। पेजेस कैटेगरी पेजेस आ गए कंप्लीट और ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए तो हमने एक फुटर को भी कॉन्फ़िग कर लिया, आप अपनी मर्जी से और भी इस फुटर में काम कर सकते हैं, और भी अगर आपने कोई और कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम जितने ज्यादा पेजेस, पेजेस तो बेसिकली चले यही है, इसके अलावा हम और कोई पेजेस हमने ऐड नहीं करने, और अगर आपने जितनी ज्यादा कैटेगरी आप ऐड करते रहेंगे वो सारी सारी कैटेगरी यहाँ पे आती रहेगी। तो यहाँ पे कैटेगरी भी आ गई, पेजेस भी आ गया, और यहाँ पे फॉर्म भी आ गया। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।